मेरा नाम दौलत बी खान है और एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन की मैं फाउंडर हूँ। और हमने बहुत मैं अकेली नहीं, मेरी ये जो पूरी टीम जो खड़ी है मेरे साथ में, बहुत दिन से हम लोग एक प्लान कर रहे थे कि लोगों को कोविड के समय में किस तरीके से मदद किया जाए। जैसे कि नाला सुपारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर गरीब लोग भी आराम से रेंट दे के रह सकते हैं, इसीलिए हमारे सर्वाइवर मोस्टली नाला सुपारा में ही रहते हैं। और यह है कि बोला जाता है नाला सुपारा बेसहारा गरीबों का सहारा, इसीलिए हमने ये जगह को पकड़ा है। और जो भी है यहाँ पे ऐसी सर्वाइवर्स की हमारी जो टीम के रेशमा जी है या सायरा जी है, सर्वाइवर्स को जब भी उनको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनको राशन की, मेडिसिन या कभी हॉस्पिटलाइज, तो वही हैंडल करते हैं। मैं तो बांद्रा में रहती हूँ, बस उनको एक कॉल कर देती हूँ कि आप प्लीज़ देख लीजिए, तो वो हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अभी हमने ये सोचा कि एसिड विक्टिम के अलावा और गरीबों की भी किस तरीके से हम मदद करें, क्योंकि अभी जो नाला सुपारा में ट्रेन चालू है लेकिन मोस्टली जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको जाने के लिए परमिशन दिया जा रहा है, गरीबों को नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हमने ये सोचा है कि बेचारे गरीब एक ऐसे है जो रोड पे एक भीख मांगने वाला है, वो भीख मांग के गुजारा करता है, और पैसे वाले वो तो अपने बिजनेस से करते, लेकिन जो मिडिल क्लास के हैं वो चाह के भी किसी के सामने मदद नहीं मांगते। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि उनको बन मुट्ठी ये मदद करी जाए, जिसमें हमारी पूरी टीम ने ऐसी सर्वाइवर साहस फाउंडेशन की टीम ने हेल्प किया है। और हमारे साथ में एक फाउंडेशन भी हेल्प किया है, द ब्रेक रेजोरेशन, उन्होंने भी ये राशन की किट हेल्प किया है। बस ये कहना चाहते हैं कि अगले साल भी अपना साहस फाउंडेशन ने हेल्प करा था और ये साल भी हम लोग कर रहे हैं हेल्प, और अभी इसमें वेस्ट में भी राशन बांट के अभी इसमें भी राशन बांट रहे हैं हम लोग। लगभग नाला सुपारा मोस्टली हमारे इधर नाला सुपारा में विक्टिम अराउंड 15 है, 15। और कहां-कहां से आपने सबको बुलाया यहां पर? यहाँ पे विरार से आए हैं, नायगांव से आए हैं, सब लोग इधर से अपना ईस्ट वेस्ट से सब है इधर विक्टिम लोग। और लोगों को मेडिसिन की रात में कुछ भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जाके करते हैं, दवाखाना लेके जाना है, राशन पानी पहुँचाना है, कोई भी मेडिसिन पहुँचाना है, तो हम लोग पूरी तरह से हेल्प करते हैं। टोटल कितने लोगों को आपने सोचा है कि राशन देना? अभी आम आदमी लोग को भी हम लोग राशन बांट रहे हैं, विक्टिम लोग को ही बोल के नहीं, आम आदमी लोग को भी हम लोग राशन बांट रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, राशन में आप क्या क्या चीज़ें? आटा है, चावल है, अपना क्या बोलते हैं दाल है, तेल है, मीठा तेल है, और चाकी पत्ती है, शक्कर है, मिर्ची का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, धनिया का पाउडर है, साबुन है, अपना क्या है, पोहा है। इसके अलावा कुछ आप कोरोना के जो उसके लिए जो चीज़ें लगती है बीमारी लोगों के लिए? सैनिटाइजर दे रहे हैं हम लोग, और मतलब अभी जितना हमारे से हो रहा है हम उतना कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताकत होएंगी तो और ज़्यादा करेंगे। अच्छा, कुछ जैसे राशन वगैरह देते हैं लेकिन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट की भी जरूरत है, तो कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है आप? देखो अभी हमारे पास इतना भी है नहीं, होएगा इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे, क्योंकि राशन देने बाद चूल्हा जलाने गैस की आवश्यकता पड़ती है, केरोसिन जो वो एसिड विक्टिम के लिए होती है, क्योंकि ये एसिड विक्टिम का जो भी है फंड, तो देखो आप सभी जानते हैं 2 साल से फंड किसी को नहीं मिल रहा है, बस कोई संस्था थोड़ी मदद कर देती है, कोई फाउंडेशन मदद कर देता है, वो थ्रू हम अपने सर्वाइवर्स को पूरा करते हैं, जो बचा है तो हम दूसरों को भी देखते हैं। आज कितने लोगों को किट बांट रहे हैं? 85। अच्छा, संस्था साहस फाउंडेशन ये कितने सालों से ये 4 साल से बेस है सर, ऐसी सर्वाइवर साहस फाउंडेशन 4 साल से, जिसमें 100 विक्टिम्स की हेल्प होती है। तो दिल्ली है हमारा, महाराष्ट्र, ऐसे 4 स्टेट के लिए हम लोग काम करते हैं, खाली मोस्टली महाराष्ट्र के लिए नहीं करते हैं। तो इसीलिए एक ऐसा होता है कि फाउंडर का काम होता है कि सब सर्वाइवर्स को देख के काम किया जाए, लेकिन इतना है कि थोड़े सी मुझे ऐसा सोचा गया कि बाहर के लोग उनका क्या कसूर है, वो तो सामने आते भी नहीं, लोगों के पास मदद नहीं मांगते, इसीलिए हम उनके लिए भी कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू।
मंडर न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।